गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ इंद्रजीत सिंह व अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को जिले भर में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया। इसके तहत अधिकारियों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत लोगों को बेटियों के उत्थान के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रभारी डीएम व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बेटी बचाने की जिम्मेदारी बेटों पर निर्भर करती है, बेटों के दम पर ही बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों को आगे बढ़ाकर ही समाज का समुचित विकास किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव ने कहा कि बेटियाँ हर कार्य में दक्षता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में बेटियों को लेकर पुरानी धारणाएँ दूर हो गई हैं। अब समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बेटियों ने परचम न लहराया हो। जिला प्रोफेशन अधिकारी सरोजीत सिंह ने कहा कि आज हमारी बेटियां डॉक्टर इंजीनियर के साथ ही सेना में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ऐसे में बेटियों को आगे बढ़ने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बेटियों के आगे बढ़ने से कई परिवारों का भला होता है। बेटियां ही परिवार को एकजुट रखते हुए समाज को बेहतर दिशा दे सकती हैं। गौरतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है और इसके लिए बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह तथा प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा। ये एक बहुत बड़ा अभियान है और भारत का नाम भारत माता है। बेटियों के माताओं के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत माता के नाम से है। बेटी इस संसार की जननी है और उसी के बदौलत सभी पुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया है। अपनी इस बेटी को, अपनी माँ को, बहनों को बचाने के लिए बेटी का बचाना और उसका पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है और बेटी के पढ़ने से एक वंश पढ़ता है। बेटी अशिक्षित रह गई तो एक वंश अशिक्षित रहता है, तो बेटी को बचाना भी परम प्रथम कर्तव्य है मनुष्य का और बेटी को पढ़ाना भी उसका प्रथम कर्तव्य है। इन दोनों कर्तव्य को ईश्वर का वरदान समझ के जीवन को इस धरती पे बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। मैं बेटी बचाओ अभियान की सक्सेस के लिए सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को, वर्ल्ड के सभी निवासी नागरिकों को
मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस अभियान को सफल बनाकर। इसका बेसिक संदेश यही है कि हमारे जो बेटियां हैं समाज में, परिवार में, उनको हम लोग अपने बेटों की तरह पूरा सम्मान दें, मान दें और उनको पढ़ाएं, शिक्षित रखें और उनके अधिकारों में किसी प्रकार कमी न करें, और जो भी इनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके अनुरूप उनको समाज में, अपने परिवार में स्थान दें, उनको पढ़ाई लिखाई और उनकी देख रेख में पूरी व्यवस्था करें और पूरी मतलब बच्चों की तरह उनका सम्मान करें और बच्चियों को कभी किसी प्रकार का भेदभाव न महसूस हो और वो समाज में सिर उठा करके मान के साथ समाज में रह सके। मैं बेटियों से ज़्यादा जो बेटे हैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारा हम सब लोग बराबर हैं और बेटियाँ जो इतना आगे बढ़ रही हैं, हमें वो उनके साथ देना चाहिए और बल्कि जो घटनाएं कुछ हो जाती है समाज में उसके लिए हम सबको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसको रोकने के लिए बेटों को सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है बेटियों से, और बेटों को इस तरह से हमें बड़ा करना चाहिए कि वो इन सब सम्मान करें बेटियों का और एक जो स्वच्छ हमारा समाज है उसकी परिकल्पना हो सके, स्वच्छ और हेल्दी समाज हेल्दी सोच के साथ आगे बढ़ सकें।